मेरे पास डेटा है, इसी डेटा को कॉपी करके एक न्यू शीट पे पेस्ट करता हूँ। तो मेरे सामने एक सैलरी का डेटा है जिसमें हमने सैलरी क्रिएट किया हुआ है। अभी एक चीज क्या होता है सर कि आपका जो डेटा है, अगर मान लीजिए कि मुझे एक ही डेटा के ऊपर दो तरह का पिवट लगा के उसके ऊपर डिस्कस करना है, फिल्ट्रेशन करना है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? पहले आप उस प्रॉब्लम को समझें। जैसे कि मैं पिवट टेबल में ओके किया, तो बेसिकली मुझे यहां पे डिपार्टमेंट का सैलरी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सैलरी, और मुझे इसमें डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए, इसका मतलब कि एम्प्लॉय काउंट चाहिए। अब ये ऐसे तो डेटा आपको आसानी से दिख रहा है ना सर? यस सर। अब इस पे हम फिल्ट्रेशन फिल्टर की बात करते हैं, नॉर्मल फिल्टर तो लगाए थे, पेज फिल्टर की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ जैन ले लिया और मान लो सिटी ले लिया, दो ले लिया मैंने। अब मैं यहां से जनवरी के पिवट को सिलेक्ट करूंगा कि जैन को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, या अप्रैल सिलेक्ट किया ओके किया, तो ओके हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस अप्रैल महीने में कौन कौन सा सिटी है जिसमें डेटा है और किसमें डेटा नहीं है। देखिए पुणे में डेटा नहीं है, तो मुझे पुणे को फिल्टर करके देखना पड़ा ना सर। तो इसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि किस किस के किस में डेटा है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसर्स। स्लाइसर दो कारणों से यूज होता है, एक होता है डिजिटल फिल्ट्रेशन। तो मैंने यहां पे किया मंथ और सिटी कोड को सेलेक्ट करके ओके किया, एक तो मुझे यहाँ पे डिजिटल बॉक्स मिल गया, मुझे ड्रॉप डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ही मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया, ये बता दिया कि अप्रैल के किसकी सिटी में डेटा है। अब देखिए पुणे और MHN जो है नहीं है। जुलाई सेलेक्ट करूंगा तो देखिए उसे से दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो दिल्ली महीने में देखिए ये मंथ का डेटा नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है। मुझे एक से ज्यादा मंथ अगर एक से ज्यादा सिटी या मंथ सेलेक्ट करना है तो क्लिक करके अपना माउस कर्सर नीचे लेते जाऊंगा और उतने सिलेक्ट होते चले जाएंगे। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो पहला एंगल समझ में आया, फिल्टर के बिहाव पे स्लाइसर कितना यूजफुल है, समझ में आ गया। यस सर। अब दूसरा एंगल हम आपको दिखाते हैं। दूसरा एंगल है, अब मान लीजिए कि मैंने पिवट टेबल बनाया और पिवट टेबल के ऊपर मुझे ग्राफ शो करना है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि डिपार्टमेंट वाइज मैंने सैलरी का टोटल ले लिया और मुझे डिपार्टमेंट वाइज ही परफॉर्मेंस स्कोर का भी टोटल चाहिए, दोनों ले लिया। अब मुझे डिजाइन में जाके या इसी में जाके पिवट चार्ट में जाके हमने इसके लिए चार्ट बनाया, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि इसमें मेरा सैलरी तो दिख रहा है बट मेरा ओवर टाइम इसमें परफॉर्मेंस स्कोर नहीं दिख रहा है। परफॉर्मेंस स्कोर ना दिखने का कारण क्या है? क्योंकि आपके सैलरी का फिगर इतना बड़ा है और आपके परफॉर्मेंस स्कोर का इतना छोटा है जो कि नहीं दिख पाता है क्या। तो मुझे अब जरूरत क्या है, दोनों को अलग अलग फिल्टर अलग अलग पिवट लगाने का, कि मैं पहले निकालूं अपना इसका डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल और फिर मैं यहां सीट वन पे जाऊं, पिवट टेबल पे क्लिक करूं और यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके हम उसी वर्कशीट पे आते हैं जिस पे पिवट लगा रहे थे और दूसरे कॉलम को जाके यहाँ पे एक नई पिवट लगा दी। ठीक है, अब इसमें मैं अपना परफॉर्मेंस स्कोर देता हूं और डिपार्टमेंट देता हूं। अब मैं दोनों के लिए अलग अलग चार्ट
इंसर्ट, यहाँ चार्ट जो है इंसर्ट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग चार्ट यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ या किसी और सेल पे भी लगा सकता हूँ। मैं कर करें किसी और पे चले जाता हूँ, समरी बना देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस पे आता हूं और डिजाइन में जाता हूँ। पिवट चार्ट का खासियत क्या होता है कि आपके पिवट्स के डेटा से वो लिंक होता है, जैसे पिवट चेंज होगा तो वो भी अपने आप को चेंज करेगा। यहाँ पे हमने कट करके यहाँ लगा दिया, तो दो अलग अलग पिवट हम क्यों लगाएंगे, समझ में आ गया कि दो अलग अलग अगर आपके पास कुछ है तो उसके लिए। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और देखिए क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे देखिए सम ऑफ द सैलरी डिपार्टमेंट इस तरह से आ रहा है, तो चाहो तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ हाइड ऑल फिल बटन ऑन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मुझे इस पे फिल्टर करना है मंथ वाइज, अगर मैं स्लाइसर इस्तेमाल ना करूं तो मुझे मंथ यहाँ रखने पड़ेंगे, और फिर मैं यहाँ अगर इसको इसको आप पेज सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ मुझे इसी का सॉर्टिंग होगा, इसका नहीं होगा। अब मुझे इस पे भी हम अपने मंथ को देना पड़ेगा, और जिस जो पर्सन फिल्टर कर रहा है उसको यहाँ भी कंपेयरिंग करने के लिए अप्रैल का इस्तेमाल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर चार पांच, ये तो दो ही पिवट है लेकिन हम जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें चार पांच दस पिवट होते हैं, तो दस पिवट में हम जो है दस पिवट को दस बार हम करते हैं, दस बार फिल्टर करेंगे, ये तो ये हुआ ना। तो स्लाइसर के अंदर में आपके पास होता है फिल्टर कनेक्शन, राइट फिल्टर कनेक्शन पे जाएं और इसको क्लिक करके आप कनेक्ट करें फिल्टर, मतलब जितने पिवट है उस पिवट पे क्लिक करना है, फिल्टर कनेक्शन पे जाना है और जो आपने स्लाइसर्स ऐड किए हुए हैं उसको यहां से टिक कर देना है। अब दोनों पिवट स्लाइसर के जरिए आपस में कनेक्टेड हो गए, तो इसके लिए हमें या फिर इससे इसके जरिए भी कनेक्टेड हो गए, जून पे क्लिक करता हूँ, नहीं अभी नहीं कनेक्टेड हुआ है, स्लाइसर के जरिए कनेक्टेड हुआ है। तो मैं अगर इंसर्ट करूं यहाँ, यहाँ सॉरी यहाँ इंसर्ट स्लाइसर्स, और इसमें मैं मंथ और सिटी देख के ओके किया, देखिए तो पहले स्लाइसर को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा पहले स्लाइसर ऐड करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है आपको इसमें, सॉरी इस पे क्लिक करना है, इस पे एनालाइज पे जाना है और यहाँ फिल्टर कनेक्शन आता है तो अपने फिल्टर को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं पूरे पे क्लिक करता हूं, अच्छा इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा ना, फिल्टर कनेक्शन, देखा आपने। अब मैं एक पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा सारा दोनों पिवट मूव हो रहा है। तो और बेटर दिखाने के लिए इस स्लाइसर को भी आप कट करके आप अपनी समरी शीट जिस पे आपने चार्ट वाट लगाया हुआ है उस पे जाके इसको रख दीजिए। अब यहां पे क्लिक करेगा देखिए चार्ट चेंज हो रहा है, एज वेल से स्लाइसर्स। Yes, sir. किसी को डाउट स्लाइसर में? नहीं सर। अब स्लाइसर ए हो गया, इसका इस्तेमाल हम अब स्लाइसर्स के भी अपने ए है ऑप्शंस है, जैसे कि आप इसके अलग अलग डिस्टाइल्स को ले सकते हो आप,
ठीक है। उसके अलावा इसकी कॉलम्स एक है तो आप इसको दो कॉलम में कर सकते हो, बहुत बड़ा नाम है, दो कॉलम में करो, दो कॉलम में हो जाएगा, इसकी हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हो। अब अगर आपके डेटा में टाइम है तो आप अपने पिवट पे आप जो है इंसर्ट, इस एनालाइज में ही इंसर्ट टाइमलाइन कर सकते हैं। तो टाइमलाइन जो है अप्लाई होता है सिर्फ डेट के ऊपर, इसके ऊपर डेट के ऊपर, जो डेट हमने सिलेक्ट करके ओके किया, अब जो है इसी के ऊपर वो चलेगा। अब जो डेट सिलेक्ट करना हो इजीली सिलेक्ट करोगे आप, उसी अकॉर्डिंग चलेगा। अब दूसरा पिवट इससे लिंक नहीं है क्योंकि हमने फिल्टर कनेक्शन में इसको लिंक नहीं किया है। तो आप एनालाइज के फिल्टर कनेक्शन में जाएंगे तो आप इसको लिंक कर सकते हैं हायर डेट से, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फिल्टर कनेक्शन समझ में आ गया, लेकिन फिल्टर कनेक्शन डेट पे ही अप्लाई होता है। अब बात करता हूं कि जो हमने अभी स्लाइसर बताया वो स्लाइसर सिर्फ इस पे नहीं चलता है, मतलब कि सिर्फ आपका डेटा पे नहीं, इसमें पिवट पे नहीं चलता है, आपका टेबल पे भी चलता है। जैसे कि कोई डेटा है और उस डेटा को मुझे बार बार फिल्टर करना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं उस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में ही टेबल होता है या होम मेनूबार में फॉर्मेट एज ए टेबल होता है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें, ओके करें और इसको फिल्टर में कन्वर्ट करें। अभी जो डेटा है फिल्टर में कन्वर्ट होगी। अब इस फिल्टर में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर्स, और मैं यहाँ पे जिस फील्ड में अगर मैं फिल्ट्रेशन चाहता हूं उसका हमने बना दिया, स्लाइसर इंसर्ट कर दिया। अब जो है अगर मान लीजिए कोई सिलेक्ट करता है, मैंने पुणे सिलेक्ट किया तो मेरे पास पूरा पुणे का डेटा है, दिल्ली सिलेक्ट किया तो दिल्ली का है, रायपुर सिलेक्ट किया तो रायपुर का, जिजिन सिलेक्ट किया तो जिजिन का है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका आपका डेटा फिल्टर हो रहा है। तो आप स्लाइसर का इस्तेमाल सिर्फ फिल्टर इसकी फिल्टर करने में नहीं, आप अपना पेज फिल्टर करने में भी कर सकते हो, ठीक है सर? हेलो जी सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो स्लाइसर समझ में आ गया सर? हेलो जी सर, जी सर। तो स्लाइसर्स को और ज्यादा समझने के लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, वरना समझना मुश्किल है। और स्लाइसर जो है बेसिकली विजुलाइजेशन, मतलब कि पिवट टेबल को एज ए रिपोर्ट या एज ए डैशबोर्ड में भी प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और काफी ज्यादा इसका यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्लाइसर सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में है आपका। सर अगर कोई भी फाइल जो है स्लाइसर में बना करके किसी ओल्डर वर्जन को देते हैं तो क्या वो ये चेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। उस जो फाइल चलेगा बस वो स्लाइसर वाला पॉपअप नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। और ये जो आपने फिल्टर स्लाइसर जो लगाया आपने टेबल में लगाया, फॉर्मेट टेबल होना चाहिए या किसी और भी तरह का होना चाहिए? मतलब डेटा में आपने जो लगाया उसको फॉर्मेट टेबल होना चाहिए, फॉर्मेट टेबल ही होना चाहिए डेटा में। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर, मेरे पास तो कुछ है। ओके, तो चलिए आपको हम एक फाइल दिखाते हैं जो कि स्लाइसर से ही बनी हुई है और इसी डेटा की फाइल है सर। देखिए ये एम्प्लॉय वाइज कंपेयरिंग है बिटवीन टू डिपार्टमेंट टू
over all department. Between two department employee to overall employee. समझ गया? इसके तीन से सेक्शन है. पहला सेक्शन है एम्प्लॉई, दूसरा सेक्शन है बीच में जो सेक्शन है ओवरऑल एम्प्लॉई, और तीसरा सेक्शन है अनोदर डिपार्टमेंट. जैसे कि मैं चाहता हूं कंपेयर करना कि आईटी और सेल्स के बीच में क्या कंपेयरिंग है. आप देखेंगे कि इसकी आईटी की आईटी सिलेक्टेड है, आईटी की मिनिमम सैलरी 38,000 है, एवरेज सैलरी 68,000 है, और मैक्सिमम वो 19 लाइन कर रहा है, और टोटल जो वो इतना सैलरी पे कर रहा है इन द मंथ. ठीक है, जबकि ओवरऑल सैलरी हमारा 20,000, मिनिमम 20,000 है और मैक्सिमम 62,000 है, एवरेज 62,000 है और मैक्सिमम इतना है, और टोटल सैलरी हमने पे किया है. और अब बात करें सेल्स की, तो सेल्स की मिनिमम सैलरी आईटी के मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, और लेकिन सेल्स का एवरेज सैलरी आईटी के एवरेज सैलरी से कम है, और साथ में मैक्सिमम भी कम है लेकिन और टोटल भी कम है. तो हम इस तरह से कंपेयरिंग कर सकते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा हमारा स्लाइसर से, समझ गए जी, स्लाइसर से. स्लाइसर को इस तरीके से यहाँ पे तरीके से आपको चेक कर दिया है, लेकिन इनको प्लान लगा है. और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप, जैसे मैंने आईटी सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे सिर्फ आईटी की सिलेक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर आप उसने फॉर्मूला पे लाके कुछ फिगर्स निकाले हुए हैं, तो फिगर्स यहाँ शो हो रहा है. तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, साथ में इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज है उसको भी भेज रहा हूँ मैं. नहीं फाइल ये वीडियो नहीं, इस फाइल को मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसके डैशबोर्ड को समझें और बनाने की कोशिश करें. ठीक है सर? ओके सर. तो जाके जी सर, हाँ बोलिए सर, ये फाइल बनाने के लिए वीडियो की जरूरत होगी सर, इसलिए इतना आसान नहीं है फाइल. किस चीज की वीडियो की जरूरत पड़ेगी आपको? ये फाइल 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 बनाने में स्लाइसर की. हाँ, तो वीडियो किसका चाहिए आपको? ये जो आप डैशबोर्ड, इसी फाइल का सर, जैसे ये डैशबोर्ड बना हुआ है. नहीं, बात बता दूं आपको कि ये डैशबोर्ड मैंने नहीं बनाया है, मैंने कहीं से डाउनलोड किया था काफी दिन पहले. क्यों बोलूं, ये हमारे लिए एक दफा देखने से सर ये बनाना उतना आसान नहीं है सर. ये डैशबोर्ड बना बनाया है आपको, जैसे उसका नकल करना है सर. ठीक है, कोशिश कर सकते हैं. आप सर कोशिश ही करने के लिए बोल रहा हूँ ना आपको मैं, ट्राई करोगे तभी तो आप. मैं इसमें बताया गया है कि आपको डैशबोर्ड चाहिए तो उसके लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले वाला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्लाइसर से भी बना सकते हैं. समझ गए मुजीद सर? हाँ बोलिए सर. ये मेरी मेल आईडी इसके अंदर नहीं ऐड हुई अभी तक. साजिद जी उन्नीत शर्मा सर. नहीं, आपका ऐड है इसमें? नहीं सर. अच्छा, ऐड कर देता हूँ आपको, मैं फिर मेरे देता हूँ, लिस्ट में नाम डाल देना. आपने क्लास ली थी उसका भी सर कोई वीडियो मिल जाए मुझे. उन्नीत शर्मा और किसका नहीं है? सर मेरा. मुझे आसाद जी आपने इनरोल नहीं किया सर, आपका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं डाल देता हूँ. ठीक है ठीक है. साजिद पुनीत, ठीक है सर. ये नहीं है सर, ये रॉन्ग है. ये रॉन्ग है आपको सर, भेज दिया मैंने आपको पहले, भेजा है सर मुझे सर पुनीत जी को ना. यस सर, ये वाला. हाँ भेज दिया मैंने आपको सर. फ्राइडे वाली जो क्लास थी वो उसका भेज सकते हैं तो सर? निकालना पड़ेगा, मैं कल निकल के भेज दूंगा सर. हेलो सर. हाँ पूछे. हेलो
सर मैंने आज लेट ज्वाइन किया था, तो आज मुझे लिंक सर शेयर कर देंगे? ठीक है, मैं आज की वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहां से ले लीजिए। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।